आवेदन शुरू हो चुका है। बिहार बोर्ड के लाखों स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से पास हो चुके हैं। दोस्तों इस वर्ष जो है भारी मात्रा में स्टूडेंट्स जो है भारी मात्रा में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। जो फेल हो गए थे वो भी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं और कॉम्पार्टमेंटल का परीक्षा दे रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स पास होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे स्कॉलरशिप के तहत, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बिल्कुल आप अपने मोबाइल फोन से, जिस मोबाइल फोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, आसानी से आप उस मोबाइल फोन से इस आप जो है ऑनलाइन आवेदन करके अपना पेमेंट जो है मात्र 15 से 20 दिन के अंदर में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष जो है छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, ठीक है। बिहार सरकार की तरफ से 10th और 12th दोनों छात्रों को मिलता है। बिहार बोर्ड से आप भी अगर मैट्रिक या इंटर पास किए हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी, सभी छात्र छात्राओं को बिहार सरकार के द्वारा 25,000 रुपये छात्रवृत्ति दिया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को, मैट्रिक इंटर जो भी छात्र छात्राओं प्रथम श्रेणी से पास किए हैं 10th में थर्ड डिवीजन से, उनको लिए स्कॉलरशिप के लिए आपको बताना चाहूँगा कि 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनको इतना मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए यहाँ पर जान लेते हैं सारी जानकारी। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर न्यूज आर्टिकल के माध्यम से भी बताया गया, मैट्रिक या इंटर में फर्स्ट डिवीजन आए कामगारों के बच्चे 1 साल तक पुरस्कार के लिए कर सकेंगे आवेदन। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बिहार सरकार ने भी यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मौका दिया है। देखिए मैट्रिक इंटर पास छात्रवृत्ति राशि यहाँ पर सुनिए और समझिए, 60% से 69.9% तक 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। 70% से 79.9% छात्रों को 15,000 रुपये, और 80% से ऊपर वाले छात्रों को इतना राशि मतलब 25,000 रुपये के दी जाएगी। ये सब राशि आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। मैट्रिक या इंटर जो भी विद्यार्थी इस बार प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं उनको 60% से 80% तक के छात्रों को यह छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो शेयर करो, चैनल पर न्यूज़र हो तो सब्सक्राइब करो, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। और हाँ चलिए डॉक्यूमेंट जान लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। 10th और 12th के दोनों छात्रों का मार्कशीट लगेगा, आप मैट्रिक के छात्र हो या इंटर के छात्र हो मार्कशीट जरूरी है, ठीक है। अगर मार्कशीट नहीं मिला है तो इंतजार कर लीजिए, मार्कशीट जब आएगा तो आवेदन आप लोगों को जो है तुरंत करना है, ठीक है। आधार कार्ड, बैंक खाता, IFSC कोड, जाति प्रमाण पत्र और आप लोगों का आय प्रमाण पत्र, फोटो लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। और ध्यान रखें अगर लेबर कार्ड है तो लेबर कार्ड, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए PMSonline.bihar.nic.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखिए, आप लोगों को एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि जब तक आप लोग जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि न्यू स्टूडेंट्स हो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा कि जब तक आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा तब तक आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2022 में जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से पास हैं, जब तक आपको जो है मार्कशीट नहीं मिल जाता तब तक आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। मार्कशीट मिलने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो स्कूल कॉलेज से आपको मार्कशीट मिलता है, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज से मार्कशीट जो है आप लोगों को 4 दिन के अंदर अंदर में जो है मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सभी कॉलेज में, जिला कार्यालय में 2 दिन के अंदर में पहुंच जाएगा और जिला कार्यालय से आप लोगों का जो है स्कूल कॉलेज में 4 दिन के अंदर अंदर में मार्कशीट जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब मिलेगा तभी आवेदन करिएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।